याद है, ठीक है। क्या क्या नाम है बाबू? यस सर। आज 7 साल पूरे हो गए। क्या हो गया? 7 साल भाई, 7 साल होने खुशी पर ये तुम लोगों को चॉकलेट देगा, ठीक है। बर्थडे है इसका, ठीक है। तो तुम लोग चॉकलेट खाओ और इसको हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे यशराज। चलो, सबको चॉकलेट अपने हाथ से देगा यशराज। कि आप लोग मस्त होंगे। तो गाइस, आज यशराज का फाइनली बर्थडे है। तो सबसे पहले यशराज को मेरे तरफ से हैप्पी बर्थडे यशराज। मेरे तरफ से भी हैप्पी बर्थडे यशराज। मेरे तरफ से भी हैप्पी बर्थडे बधाई हो यशराज। तो गाइस, आज हम सक्सेस डिलीवर पब्लिक के स्कूल के सभी सदस्य, जो टीचर सदस्य है, उनके तरफ से आज इनका जन्मदिन की ढेर सारी बधाई का दुआ करता हूँ। और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने कार्य पे कार्यरत रहे और अपने जीवन में एक से एक ऊंचाई हासिल करें। और चंदन सर बताएंगे ये क्लास में कैसा छात्र है। ये तो स्टार्टिंग में जब आया था तो बच्चा बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं इनके प्रयास, परिश्रम, संघर्ष और साथ ही साथ इनके घर के मेंबर भी इसके पीछे मेहनत करते आ रहे हैं, जिसके बदौलत ही बच्चा अब पढ़ने लिखने में बहुत ठीक ठाक हो गया है। पहले से तो बहुत अच्छा है बच्चा। तो रोहित सर, इस बच्चे के लिए कुछ बधाई जरूर करें। फिर से बोल रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे यशराज। मन लगा के पढ़ो, आगे बढ़ो, मेरे स्कूल का नाम रोशन करो, बस इससे आगे क्या मन लगा पढ़ो। तो यशराज, फिर से तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और मन लगा के पढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। अगर तुम माता पिता का नाम रोशन करेगा तो स्वाभाविक है मेरा स्कूल का नाम ऑटोमेटिक रोशन हो जाएगा।